अच्छी थी मूवी और रेटिंग 4.5 देना चाहूँगी मैं। प्रभास का ही अच्छा लगा क्योंकि वो राम जी का रोल किए, सैफ अली खान अच्छे थे अपनी जगह और पुरानी रामायण ही है, नई में मज़ा नहीं आया इतना। कैसे लगी पिक्चर? अच्छी है। राम कैसा लगा, प्रभास का राम के रोल में कैसा लग रहा है? बहुत अच्छे, सीता भी बहुत अच्छे, थोड़ा सा वो रावण लुक में नहीं जचे मुझे। और बाकी VFX वगैरह कैसा लग रहा? VFX सही है, बहुत अच्छा है। पुरानी रामायण के साथ कुछ छेड़छाड़ की गई है? नहीं, वो थोड़ा कट कुटते दिखाया है, बाकी ठीक है। पांच में से कितने देंगे? 4.5। मूवी अच्छी थी और एक्सपेक्ट करूंगा कि जो आने वाली मूवी है वो ज्यादा बेटर होगी। रणबीर कपूर इसमें है, राम का रोल प्ले करेंगे। और सैफ अली खान का काम कैसा लगा? ठीक है, सूट कर रहा था बट नॉट 100%। वो रोल के लिए कोई और भी हो सकता था बेटर। और रावण ज्यादा लग रहे हैं या खिलजी लग रहे हैं? हाँ, खिलजी लग रहे हैं कि रावण लग रहे हैं? खिलजी ज्यादा लग रहे हैं। पांच में से 3.5। सर कैसी लगी? बहुत बेकार लगी सर। सर क्या मतलब, पुरानी रामायण के साथ कुछ छेड़छाड़ की गई? बहुत चेंजेस करेंगे पुरानी रामायण से। अगर कुछ जेन्युइन फैक्ट्स उठा के आप देखेंगे तो इस रामायण में और उस रामायण में जमीन आसमान का फर्क है। ये एक आप मूवी कह सकते हैं, रामायण असली वो है। आप पुराने कोई भी एपिसोड उठा के देख लीजिए, एक भी एपिसोड उठा के देखेंगे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आपकी आंखें नम होगी, आपको पता चलेगा हाँ ये राम है, हाँ ये सीता है। आपको यहाँ पर आके जैसे आप आदि पुरुष देखेंगे तो आपको समझना पड़ेगा हाँ ये सीता है। करेक्टर से, नाम से पता चलेगा कि ये राम है। अगर पुरानी रामायण देखिए तो उसमें सबसे मेन जो बात होती है वो जब एंड में राम और रावण के बीच का युद्ध होता है वो होती है। तो इसमें जैसे राम और रावण का एंड में युद्ध दिखाया है तो आपको उसमें कैसा लगा, मतलब वो युद्ध कैसा लगा आपको? क्योंकि उसी के लिए लोग ज़्यादातर इस फिल्म को देखने आएंगे कि कैसा दिखाया होगा, तो थोड़ा सा आप बताएं आप कैसा लगा? बहुत बेकार लगा, जब ओवर कर रखी है सारी चीज़ें, जेन्युइन चीज़ें कुछ दिखाई नहीं है। जो जेन्युइन फैक्ट्स दिखाने चाहिए वो कुछ नहीं दिखाए, डायलॉग्स ठीक नहीं है मूवी के अंदर। सैफ अली खान कैसे लग रहे हैं रावण? बहुत ज़्यादा बेकार, वो खिलजी लग रहे हैं, वो रावण तो बिल्कुल नहीं लग रहे हैं, रावण के बाल खड़े हैं, ये सारी चीज़ें बहुत बेकार लगी। चलिए फिर मैं आपसे जाना चाहूँगा, रिकमेंड करेंगे आप कि देखना चाहिए? मैं तो किसी को रिकमेंड नहीं करूँगा, मैं खुद राम भक्त हूँ। जय श्री राम पिक्चर चलेगी तो सिर्फ राम के नाम से चलेगी और किसी के नाम से नहीं चल सकती पिक्चर। 5 में से 1। सर कैसी लगी? पॉजिटिव बोला, नेगेटिव कैसा तेरा मन? सर कैसी लगी? एक मिनट यार, यार सर आदि पुरुष देख कर आ रहे हैं, कैसी लगी? भाई आदि पुरुष देख के आ रहा हूँ। मूवी अगर आपको सच बताऊँ तो एवरेज है, और पूरी जो मूवी बनाई गई है ना वो 3D बेस्ड मूवी है, ग्राफिक्स बेस्ड मूवी है। ब्रह्मास्त्र आई थी उसको ग्राफिक्स के अंदर बीट करती है, कहीं ना कहीं ग्राफिक्स ही ग्राफिक्स है मूवी के अंदर। एक्टिंग एवरेज है, डायलॉग डिलीवरी ठीक ठाक है, पर कुछ डायलॉग मूवी के अंदर ऐसे हैं जो बड़े घिसे पिटे से लग रहे हैं। आपने ग्राफिक्स की तारीफ करी है लेकिन मैं अगर आपसे पूछूं कि ये रामायण बेस्ड मूवी है, रामायण एक माइथोलॉजिकल बहुत जाना माना एक उपन्यास है, उसको इन्होंने मॉडर्न वे में बनाने की पूरी से पूरी कोशिश करी है ओम राउत ने और टीम ने, तो क्या इन्होंने रामायण के साथ कुछ छेड़खानी या वो फैक्ट्स के साथ तोड़ मड़ोड़ के पेश करा है? क्या मतलब आप सेटिस्फाई हैं उससे? भाई रामायण के अंदर छेड़छाड़ की बात करूं ना तो रामायण जो रामानंद सागर जी ने जो रामायण बनाई थी उस रामायण में और आज की रामायण में जमीन आसमान का फर्क है। अगर आप उसको फैमिली के साथ बैठ के देखोगे, रामानंद सागर वाली जो रामायण थी वो आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे देख के, पर इस मूवी को देखने के बाद आपको ऐसा लगेगा कि आप कहीं हॉलीवुड की मूवी देख रहे हैं और बस पॉपकॉर्न खाओ पेप्सी पियो मजे लो, इस तरीके की ये मूवी मुझे लगी। कुल मिला के अगर मैं आपको सारी चीज़ें एक बार मैं बता दूँ तो बात ये है कि मूवी के अंदर सिर्फ ग्राफिक्स और नए तरीके से नई जनरेशन के हिसाब से रामायण को TRP बटोरने में कन्वर्ट कर दिया इन्होंने। रामायण को सिर्फ राम का नाम ले लिया, हनुमान का नाम लेके इसको TRP कमाने में, पैसा कमाने में लगा दिया। 500 करोड़ रुपये मूवी में लगाए हैं, 500 करोड़ रुपये में सिर्फ ग्राफिक्स हैं। ऐसा कुछ भी मुझे इसके अंदर नहीं लगा जिसकी मैं तारीफ करूँ। बस एक ही चीज़ की तारीफ कर सकता हूँ कि सेकेंड हाफ के बाद कोई बंदा अगर सही थिएटर में बैठा है, सेकेंड हाफ के बाद जो ग्राफिक्स है ना सिर्फ वही उसको बांध कर रख सकते हैं। और रावण की जो किरदार देखा, देखो रावण की आपने देखा होगा, मैं आपने शायद मूवी देखी नहीं देखी मुझे नहीं पता, पर जो सैफ अली खान की चाल है ना इसके अंदर, जो इसका चलने का स्टाइल है, ऐसा लग रहा है कि पिछवाड़े पर लट मारो किसी ने।
पीछे रावण के इस तरीके का जो मतलब चाल उसकी इतनी भद्दी सी लग रही है, उसको नॉर्मल तरीके से भी चला सकते थे और बहुत ज़्यादा हैवी दिखा दिया गया है। उसमें थोड़ा व्यू जो है ना डाउन टू अप है, तो इसलिए ऐसा लगता है कितना हैवी है रावण, बट डिजिटल रावण है। हाँ चलिए, पाँच में से अगर एवरेज दूँ तो 3.5 तो देनी चाहिए, क्योंकि पैसा उन लोगों को भी कमाना है, 500 करोड़ लगाए तो कुछ तो वसूली चाहिए। और लोग सिर्फ इस मूवी को तभी इस पता किस नाम पर देखेंगे, ये नहीं देखेंगे, वो देखेंगे आदि पुरुष, आदि पुरुष का नाम नहीं है, वो देख रहे हैं सिर्फ राम के चेहरे पे, राम के विश्वास पे, क्योंकि वो हमारे जैसे राम है, उन्हीं के बेस पर ये मूवी देखेंगे लोग, उसी से ये मूवी पैसा कमा सकती है। थैंक यू। हाँ जी सर, सर देख कर आए आदि पुरुष, कैसी लगी? भाई पिछले 6 महीने से बड़ा इंतजार था लोगों को, इसको लेकर इतना विवाद हुआ, राजनीति हुई, कहा जा रहा था बहुत चीजें बदली गई है इनके हनुमान जी के मूंछ को लेकर और रावण के जो उनको पहनावे को लेकर, मुझे लगता है कुछ नहीं बदला गया है। और जब मैंने मूवी देखी तो मुझे जमीन आसमान का अंतर लग रहा है, रामायण और देखने के बाद बहुत अंतर है, काफ़ी अंतर नजर आ रहा है। तो जो डायलॉग है इसमें टपोरी लैंग्वेज इस्तेमाल की गई है पूरी, कि बुआ बगीचे में पता नहीं क्या क्या इस्तेमाल किया गया है। और मैं सबसे अच्छी इसमें जो टेक्नोलॉजी है उसकी तारीफ करना चाहूँगा, VFX का इस्तेमाल भरपूर किया गया है। जब मैं मूवी देख रहा था मुझे लग रहा था मैं कोई हॉलीवुड मूवी देख रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से कयास लगा। रावण के किरदार से सेटिस्फाइड है? रावण का जो लुक वगैरह दिखाया गया है, रावण की जो वो एक्टिंग करी है सैफ अली खान ने, सेटिस्फाइड है? एक्टिंग से तो सेटिस्फाइड, लेकिन रावण का जो वेशभूषा था उस तरीके से नहीं दर्शाया गया। मुझे लगता है कि जो डायरेक्टर हैं, प्रोड्यूसर हैं, तमाम लोगों ने इसमें दिमाग ये लगाया कि न्यू जनरेशन को कैसे प्रेजेंट करके दिखाया जाए, तो इसको पूरा एक तरीके से मॉडिफाई किया गया है, रामायण को पूरी मॉडिफाई कर दी गई है ताकि आज की जनरेशन ये मूवी देख सके। चलिए स्टार कितने देंगे? 5 में से 5 में से 1 स्टार, सिर्फ वो भी टेक्नोलॉजी के लिए। थैंक यू। सो मच अवेटेड आदि पुरुष इज हियर, सो आपने देखी आदि पुरुष, कैसी लगी? मुझे अच्छी लगी, इट इज़ अ वन टाइम वॉच, लेकिन हाँ ये है कि फैमिली पिक्चर है, आप अकेले देख के नहीं देखने नहीं आ सकते। आई हैव सीन के बूढ़ी बूढ़ी आंटी अपने पोते नातियों को लेकर आएंगे, बेटे देखो रामायण ऐसी होती थी, क्योंकि वो टीवी पर नहीं देखते छोटे बच्चे आजकल। बट रामायण के साथ इन्होंने छेड़छाड़ नहीं करी, आपको लगा नहीं? मुझे ऐसा नहीं लगा कि इतनी करी है, क्योंकि मैंने बड़ी बार परफॉर्म करी है, ठीक है, मैंने बहुत बार देखी है, स्पेशली इन कोविड हमने इतनी बार रामायण देख ली, रिकॉल वैल्यू पड़ गई है। तो वहाँ पर भी हर चीज़ ग्रंथों के हिसाब से नहीं, एक होता ना सिनेमेटिक लिबर्टी, वो हर डेली सोप में भी ली गई है, और हर डेली सोप भी एक दूसरे से मैच नहीं करता, बिकॉज ग्रंथों में ही अलग अलग कहानियां हैं रामायण की। तो राइचसनेस, रिस्पेक्ट और वर्च्यू के साथ बनी है, मुझे लगा नहीं कि कोई छेड़छाड़ करी है। सैफ अली खान एज रावण और प्रभास एज राम और कृति सेनन एज सीता या हनुमान जी का कैरेक्टर, विच कैरेक्टर रियली आपको बहुत अच्छा लगा? ये सिर्फ मैं नहीं, ये जितने भी लोग फिल्म देख कर आए हैं सब यही बोलेंगे कि रावण, सैफ अली खान एज रावण इज लाइक बैंग ऑन, उससे ऊपर खिलजी नहीं लग रहा, वो खिलजी बिल्कुल नहीं लग, मतलब क्रिंज कहीं के लगे, कहीं के तो भाई फालतू वाले सीन्स थे, जो उनके 10 सर आ जाते, मतलब 10 सर हैं थे उनके मुझे पता है, लेकिन वो एकदम से ऐसे ऐसे करके आ जाते थे, हम डरते भी नहीं, हम हंसते थे। तो कुछ कुछ सीन्स ऐसे हैं स्पेशली, बट डायलॉग्स मुझे लगता है डायलॉग्स से थोड़ा बहुत डायलॉग्स ऐसे थे कि भाई दिल पलट दिए जिस बात पर, 2 मिनट में ऐसे स्विच हो जाते थे एकदम से डायलॉग्स, तो डायलॉग्स थोड़ा और काम हो सकता था। आउट ऑफ 5 I'll give it 3.5 stars. Thank you.